वेलकम टू माय चैनल। आज मैं खजूर गुड़ की रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो गाय का दूध, 250 ग्राम खजूर गुड़ ले लिया। पहले मैं दूध को छेना बना लूँगी। इसके लिए मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया, 2 चम्मच विनेगर इसमें पानी में मिला लिया। अब दूध गर्म करने रख दिया। एक उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है। धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल देना है, विनेगर मिला हुआ, और चलाते रहना है जब तक ये छेना बन ना जाए। देखिए अच्छे तरह से ये छेना बन गया है, दूध फट गया है। अब थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ये निकाल ले रही हूँ। पानी बिल्कुल ये ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी गर्म है। तो इसका पानी मैंने निकाल लिया, दूसरे बर्तन में रख लिया, और 1 गिलास ठंडा पानी छेना में मैंने डाल दिया ताकि ये विनेगर का जो खटास है निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए आप ऐसे भी टांग के रख सकते हैं, और नहीं तो तुरंत भी आप निचोड़ के इसका पानी निकाल सकते हैं। देखिए मैं थोड़ी देर में अच्छे से इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया। आप एक प्लेट में मैंने निकाल लिया। आधा चम्मच मैदा, आधा चम्मच सूजी और आधा चम्मच पिसी हुई चीनी मैंने इसमें डाला, और हल्का हाथ में धीरे धीरे इसको मैश करते जाऊंगी। जब तक इसका ये सॉफ्ट ना बन जाए तब तक इसको मैश करते रहना है। देखिए धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे इसी तरह से मैश करते जाना है। अब ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको डिवाइड कर ले रही हूँ। 1 किलो गाय का दूध से मैं 12 पीस रसगुल्ला बना रही हूँ। चाहे तो आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। देखिए आप इसको मैं गोल गोल रसगुल्ला का शेप दे दे रही हूँ। देखिए ये बन गया है। आप मैं गैस में 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। बड़े साइज का ग्लास में 3 ग्लास पानी मैंने कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब इसको मैं उबालने दूंगी। आप उबाल आ गया है तो आप इसमें गुड़ डाल देना है। गुड़ डाल के अच्छे तरह से उबालने देना है। अच्छे तरह से उबाल आ जाए तभी ये रसगुल्ला डालना है। ये रसगुल्ला खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये आप गुड़ पिघल गया है। आप धीरे धीरे इसमें उबाल आ गया है। आप छोटा साइज के एक रसगुल्ला इसमें मैं डाल दे रही हूँ, देख रही हूँ ताकि ये फट रहा है कि नहीं, परफेक्ट बना है कि नहीं। नहीं, ये उबालने लगा है। जो ऊपर आ गया है इसका मतलब है सही है। तो सारे रसगुल्ला डाल देना है, गैस का फ्लेम बढ़ा के रखना है ताकि ये उबाल बना रहे हैं। 10 से 15 मिनट तक इसी तेज आंच में फ्लेम में इसको पकाना है। देखिए इसे ये अच्छे तरह से ये उबालने लगा है। आप ये धीरे धीरे फूलने भी लगा है रसगुल्ला। ये देखिए कितना बढ़िया से फूल रहा है। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है। जिस ये रसगुल्ला एक बार आप खा लेंगे तो चीनी वाला रसगुल्ला भूल जाएंगे। तो देखिए इसमें आप उबल गया है, अच्छे तरह से उबल गया है फूड। तो गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए मीडियम कर देना है। अब थोड़ी देर बाद देखिए ये मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो 1 गिलास में पानी लेके मैं उसमें करछू से धीरे धीरे पानी डालूंगी और गैस का फ्लेम तेज कर दूंगी। एकदम एक साथ से पानी डालना नहीं है। एक साथ पानी डाल देंगे तो गैस जो उबाल है बंद हो जाएगा, तो रसगुल्ला फट सकता है रसगुल्ला। तो इसी तरह से मैं अब चेक कर रही हूँ रसगुल्ला। पानी जब ऊपर आ जाए तो रसगुल्ला, इसका मतलब रसगुल्ला अभी टाइम लगेगा। तो देखिए दोबारा मैंने देखा, चेक किया तो अभी भी ऊपर आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद और मैं चेक कर रही हूँ। देखिए आप ये रसगुल्ला पानी के नीचे चला गया, इसका मतलब रसगुल्ला तैयार हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। गैस का फ्लेम बंद कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी। चाहे तो आप दूसरे बर्तन में भी निकाल सकते हैं। आप देखिए थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, तो अब मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए इतना कितना स्पॉन्जी बना है, और देखिए पता चल रहा है कितना स्पॉन्जी बना है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा बना है। तो आप मैं निकाल रही हूँ। तो मेरे तरह खजूर गुड़ का रसगुल्ला आप भी बनाइए, खाइए, और खा के कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।